भूकंप से हिले पूरे भारत के 11 राज्य, मणिपुर इम्फाल में भारी नुकसान, अब तक 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल, रिक्टर पैमाने पर मापी गई 6.8 की तीव्रता। पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, बेस में अभी भी 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर। पठानकोट के शहीद शूरवीरों पर देश को है नाज, अंबाला में शहीद गुरुसेवक को दी गई अंतिम विदाई, बंगलुरु में शहीद निरंजन को आखिरी सलाम। दिल्ली सरकार की अगली परीक्षा, दिल्ली में आज चल रही है इवन नंबर की गाड़ियां, सोमवार होने के चलते सड़कों पर उतरी हैं ज्यादा गाड़ियां। आगरा में सीएम अखिलेश करेंगे यूपी प्रवास सम्मेलन का उद्घाटन, 3 जनवरी तक मनाया जाएगा यूपी प्रवासी दिवस, एनआरआई को यूपी रत्न से सम्मानित भी करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती ने की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। यूपी में नए लोकायुक्त के शपथ ग्रहण पर 19 जनवरी तक रोक जारी, जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच करेगी सुनवाई। हमीरपुर में कार सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, भतीजे की मौके पर मौत, चाचा गंभीर हालत में झांसी रेफर, गांव में तनाव। शाहजहांपुर में दबंगों के खिलाफ लूटपाट की रिपोर्ट कराना युवक को पड़ा महंगा, नाराज दबंगों ने युवक को मारी गोली, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। रामपुर की जिला जेल में महिला कैदी की संदिग्ध हालात में मौत, प्रशासनिक अमले ने मचा हड़कंप, पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी महिला। कानपुर में इंसाफ मांग रही नेशनल कबड्डी खिलाड़ी के साथ मजाक, बुजैनी चौकी इंचार्ज एसपी दुबे का गजब बयान, कहा आदमी हो जाता है गायब तो वारंट क्या चीज है। कानपुर में एक साहित्यकार की मांग, आर्थिक मदद नहीं तो इच्छा मृत्यु, डॉक्टरों के गलत इलाज के चलते 22 साल से बेड पर लेटे हैं शिक्षक। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दून अस्पताल समेत गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को बांटे कंबल, आलाधिकारियों को आईएसबीटी में अलाव जलाने के भी दिए निर्देश।